बैठो। हेलो दोस्तों, आज जो है HP टेट की जो है आंसर की आई है, तो उसमें मैंने आपको बता दिया है कि आपका आर्ट्स की आंसर की भी है, आपकी LT की भी है, उर्दू की भी है, टेट नॉन मेडिकल की भी है, टेट नॉन मेडिकल की भी है, सभी की आंसर की है। तो मैंने ये टेट की जो मेडिकल की आंसर की है उसमें से दो डाउटफुल क्वेश्चन निकाले हैं, और इनके लिए आपको रिट जो है वो डालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है आंसर की में आंसर जो है वो गलत दिए हुए हैं। तो दो क्वेश्चन है, एक 125 क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर सीरीज सी का, और एक 140 क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर सीरीज सी का। तो आप ए बी सी डी वाले चारों ही सीरीज वाले चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है समझना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन है, और आपको रिट फाइल करनी है, जो उसमें आपको HP बोस SO पेपर सेटिंग .43@gmail.com पे, या फिर आप उनको बाय जो है उससे भी फैक्स से ही भेज सकते हैं, बाय आप कुरियर से ही भेज सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए, भारतीय संसद पर उग्रवादी हमला कब हुआ था? तो देखिए, जो भारतीय संसद पर उग्रवादी हमला हुआ था वो आपका 13 दिसंबर 2001 में हुआ था। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, लेकिन जो आंसर की है उसमें इसका आंसर जो है वो बी दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको रिट फाइल करनी है, तो रिट के लिए आपको ईमेल कर देना है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 140वां क्वेश्चन है सी सीरीज़ का। तो देखिए, सूर्य की किरणों को धरती पर पहुँचने में कितना समय लगता है? विद प्रूफ मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर इस क्वेश्चन का सॉल्व का आंसर भी मिलेगा। तो वो सूर्य की किरणें जो हैं वो धरती पर पहुँचने में कितना समय लेती है? 8 मिनट 16.6 सेकंड। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, लेकिन आंसर की में आपका ए ऑप्शन इसका दिया हुआ है, तो ये जो आंसर की का आंसर है वो गलत है। तो इसके लिए भी आपको एक नंबर लेना है, तो आपको रिट फाइल करनी पड़ेगी, आपको HP बोर्ड को ईमेल करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है नीचे, वहाँ पर सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो दे दी हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। सो जय हिंद दोस्तों।